अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये मुजफ्फरनगर के लोग हैं बेसिकली, और आज गाजियाबाद में इनकी शादी हुई थी और वहां से उसके बाद ये लोग नहाल गए थे, जहां पर इनका जो लड़की का घर है वहां पर पार्टी हुई थी और उसके बाद ये लोग चले थे। लगभग ये 4-5 गाड़ियों में ये लोग बाराती लोग सब लोग वापस लौट रहे थे। उसके बाद जो एक गाड़ी है जिसमें दूल्हा दुल्हन उनके जो साले हैं, जो उनके बहनोई हैं और जो उनकी वाइफ है, ये लोग अलग से आ रहे थे। इनकी गाड़ी अलग हो गई थी और ये किसी पेट्रोल पंप पे रुके हैं परतापुर क्षेत्र में, और उसके बाद हाईवे के रास्ते से ये लोग जा रहे थे मुजफ्फरनगर की ओर। यहाँ महटोर पे थाना तुराला क्षेत्र में ये घटना हुई है। एक गाड़ी आई है जिसने इनको ओवरटेक किया है, उसके बाद उसमें 3-4 लड़के उतरे हैं उसमें से, और उनके पास तमंचे बताए जा रहे हैं। उसके उन्होंने कहा जो भी उनके पास सामान था उसको लूटपाट के इरादे से उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो लेडी थी, जो दुल्हन थी, उनको गोली उन्होंने मारी है और अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई है जो जब वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। इसमें हम लोगों ने इनसे बात की है और इसमें मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। दोनों एंगल हम लोग देख कर चल रहे हैं कि लूटपाट का भी एंगल हो सकता है या जहाँ से ये लोग चले हैं, क्योंकि ये एक मध्यम वर्ग परिवार है, इतना ज़्यादा इनके पास सामान नहीं था जो, और इनकी शादी भी एक जलसे में हुई है आज गाजियाबाद में। लेकिन दोनों ही एंगल हम लोग लेकर चल रहे हैं, या तो कोई रंजिशन इनके पहले किसी की रंजिश रही हो इनसे, और दूसरा केवल लूटपाट की नीयत से, या उन्होंने रेजिस्ट किया इस वजह से उन्होंने गोली चलाई। दोनों एंगल से हम लोग इसको देख रहे हैं।